नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गियर अपडेट में। और एक बार फिर से हमारे साथ है अर्चित जी। हेलो फ्रेंड्स, अपने पल्सर N160 के साथ। और आज के वीडियो का थंबनेल देख के दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान ही चुके होंगे कि आज हम लोग करने वाले हैं इस बाइक का हाईवे माइलेज टेस्ट। और हाईवे में स्पीड रखेंगे 70 से 80 किलोमीटर पर आवर, जिससे आपको पता चल पाएगा कि इस बाइक को अगर आप लेते हो और हाईवे में अगर इस स्पीड में राइड करेंगे 70 से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, तो आपको इस बाइक में कितना माइलेज मिलेगा। तो आज भी इनके पास समय काफ़ी कम है, तो आइए जल्दी से चलते हैं इस बाइक को लेके पेट्रोल पंप में और इसके फ्यूल टैंक को कराते हैं फुल। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं हम पेट्रोल पंप आ चुके हैं, तो आइए इस बाइक के फ्यूल टैंक को फुल करते हैं। दीजिए। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पेट्रोल पूरी तरह से भर चुका और ये प्लेट के ऊपर तक आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहीं तक हम लोग फिर से इसमें जब माइलेज टेस्ट करके आएंगे तो यहीं तक पेट्रोल को फिर से फुल करेंगे। तो आइए दोस्तों, माइलेज टेस्ट से पहले ऑडोमीटर को भी देख लेते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 294 और इसके ट्रिप 1 और ट्रिप 2 को हमने 0.0 पे कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ से माइलेज टेस्ट के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं उसी पेट्रोल पंप में वापस आ चुके हैं जहां हमने इस बाइक के फ्यूल टैंक को फुल किया था। और अभी हम लोगों ने इस बाइक को करीब
जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रिप वन में 40.1 किलोमीटर तक इसे राइड कर चुके हैं और इसके ट्रिप टू में भी रीडिंग नजर आ रहा होगा 40.1 और इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है अभी 334। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये जीरो पे है मीटर, धीरे धीरे डालिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जब हम निकले थे माइलेज टेस्ट के लिए तो इस प्लेट से ऊपर तक पेट्रोल था, आपको याद होगा, और अभी भी पेट्रोल इस प्लेट से ऊपर है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा इतने हाई स्पीड में राइड करने के बाद भी इसमें बहुत ही अच्छा माइलेज मिला है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें पेट्रोल डाला है, हटिएगा भैया, एग्जैक्ट तो 1.01 मतलब कि 1 लीटर 10 ml पेट्रोल डाला है इसमें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम वहीं आ चुके हैं जहां हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी और आज आपने देखा पल्सर N160 का हाईवे माइलेज टेस्ट। और वीडियो की शुरुआत में आपने देखा था इस बाइक के फ्यूल टैंक को जहां हमने फुल किया था, तब हमने इस बाइक के ट्रिप वन और ट्रिप टू को 0.0 पे कर दिया था और जब हम हाईवे में माइलेज टेस्ट करके वापस उसी पेट्रोल पम्प में पहुँचे और तब इसके ट्रिप में रीडिंग था 41.1 और इसका जो एवरेज किलोमीटर पर लीटर जो इसके डिस्प्ले में शो करता उसमें भी 40 km/L का माइलेज शो कर रहा था। और जब हमने इस बाइक के फ्यूल टैंक को फिर से फुल किया आपने देखा उसमें पेट्रोल डाला 1.01 मतलब कि 1 लीटर 10 ml पेट्रोल डाला, मतलब कि इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आज इस बाइक में हाईवे में करीब 40 km/L का माइलेज मिला है। वो भी जाते वक्त मैंने स्पीड रखा था, अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा कि बाइक का स्पीड था करीब 70-75 km/h और आते वक्त मैंने इस बाइक को करीब 80 km/h के स्पीड पे राइड किया। तो इस स्पीड में हमने इसे राइड किया और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है पल्सर N160 बाइक में। मेरा अंदाज़ा था कि आज मुझे इस बाइक में 35 या 38 तक का माइलेज देखने को मिलेगा उस बीच में, मगर 40 km/L का माइलेज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में हमने सिटी माइलेज टेस्ट किया था जिसमें हमें 40+ का माइलेज मिला था। तो आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आइए अर्चित से बात करते हैं। अर्चित जी बताइए, जैसा कि आपने देखा आज हमने हाईवे में इस बाइक का स्पीड काफ़ी अच्छा मेंटेन करके चल रहे थे, जाते वक्त करीब 70-75 था और आते वक्त हमने करीब इसे 80 km/h के स्पीड पर राइड किया, तो जो 40 km/L का माइलेज मिला आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि 40 km/L का माइलेज मिला, सिटी के हिसाब से और हाईवे के हिसाब से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया। नहीं आया, ठीक है। और इसका जो सस्पेंशन का बात करें तो सस्पेंशन हाँ। बैठ के मुझे बहुत आराम लगा क्योंकि बीच में पॉटहोल्स आ रहे थे बहुत सारे हाँ। तो उसमें जब गाड़ी चल रहा था तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। ये बात एक बिल्कुल अर्चित जी सही बोल रहे हैं और आप जब इस बाइक को राइड करोगे तभी आपको ये बात पता चल पाएगा, क्योंकि सस्पेंशन के बारे में हम जो भी चीज़ बातें करेंगे वो आपको राइड करने के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही इसके ब्रेक की बात, इस बाइक में जैसे डुअल चैनल ABS मिला है और वो वाकई में दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह काम करता है, ब्रेक इसमें बहुत ही अच्छा है और सीट भी मुझे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि अर्चित जी आज थोड़े जल्दी में हैं, तो अर्चित जी आपसे ही बात करते हैं कि आपने अभी तक इस बाइक को करीब कितना 290 किलोमीटर तक राइड कर चुके हैं और इस बीच आपने बताया था कि आप इस बाइक को एक बार हाईवे में भी लेके गए थे। जी जी, हाईवे में लेके तो उस टाइम आपने इस बाइक को कितना हाई स्पीड में राइड किया था? मैंने इसका स्पीड लगभग 110 टच किया था। जी बिल्कुल। तो उतने स्पीड में इस बाइक का कंट्रोल कैसा महसूस हो रहा था? कंट्रोल बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल भी मीन्स डिसबैलेंस जैसा कुछ फीलिंग नहीं हो रहा था और हल्का सा वाइब्रेशन जब आपका 100 को टच करता है 9500 को उस समय हल्का सा आपको माइनर महसूस होता है। मैं भी ये बात बोलूंगा कि आज मैंने इस बाइक को माइलेज टेस्ट के दौरान आते वक्त 90-95 किलोमीटर के स्पीड पे एक बार थोड़ा सा टच किया था और वहाँ पे जाके इसमें बहुत ही माइनर सा हल्का वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। अगर आप इस बाइक को 80-85 km/h के स्पीड में क्रूज़ करते रहेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। और जब आप इस बाइक को राइड कर रहे हो तो इस बाइक में जो आपको 160cc का जो इंजन दिया गया है कंपनी की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इसे बनाया गया है और इस बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। तो देखा जाए तो जितना इसका एग्जॉस्ट साउंड बाइक को खड़े रहने में सुनाई देता है उतना ही अच्छा साउंड इसको जब आप इस बाइक को राइड कर रहे हो तो एग्जॉस्ट साउंड आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और रही बात
अगर आप कोई 150 या 160 सीसी बाइक लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप एक बार जरूर इस बाइक का टेस्ट राइड लें, क्योंकि जब तक आप इसे चलाएंगे नहीं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा और अर्चित जी से पूछूंगा, अर्चित जी कुछ आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को अपने तरफ से कुछ? बस मैं कहूंगा कि इस बाइक को टेस्ट राइड जरूर करें, एक बार जरूर ट्राई करें इस बाइक को, चला के आपको कैसा फील हो रहा है जरूर इसके लिए आप देख सकते हैं। हाँ, तो अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से हैं तो आप स्वास्तिक बजाज में आ सकते हैं। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और माइलेज टेस्ट के लिए हमने काफ़ी अपना समय दिया है। तो मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस बाइक का सिटी माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बाइक का सिटी माइलेज टेस्ट वीडियो लिंक मिल जाएगा।